फ्रेंड्स, आज हम लोग रॉबर्ट ब्रीच की एक प्रसिद्ध पोएम नाइटिंगेल्स के बारे में पढ़ेंगे। नाइटिंगेल्स जिसका अर्थ बुलबुल होता है, बुलबुल एक चिड़िया होती है और इस चिड़िया ने इस कविता में अपने प्रकृति के प्रति जो मनुष्य ने विनाश किया है उसका दुख प्रकट करती है। कविता दो भागों में बटी हुई है। पहले भाग में कवि जो है बुलबुल से कुछ क्वेश्चन करता है और बाद के भाग में बुलबुल जो है कवि को अपना दुख भरा उत्तर देती है। तो पहले कवि बुलबुल से क्वेश्चन करता है, ब्यूटीफुल मस्ट बी द माउंटेंस वेयर यू कम एंड ब्राइट इन द फ्रूटफुल वैलीज द स्ट्रीम्स वेयर यू फ्रॉम यू लर्न योर सॉन्ग। कवि कहता है बुलबुल से, ब्यूटीफुल मस्ट बी द माउंटेंस, अवश्य पर्वत बहुत सुंदर होंगे, वेंस यू कम वेयर यू कम, जहाँ से तुम आती हो, एंड ब्राइट इन द फ्रूटफुल वैलीज, और वो सभी फलों की घाटियाँ जो है सुंदर फलों से भरी होंगी, एंड स्ट्रीम्स, और वहाँ का जो स्थान होगा वो नदियों से भरा होगा, वेयर फ्रॉम यू लर्न योर सॉन्ग, जहाँ से तुम अपने गीत सीखती हो। तो कवि कहता है अवश्य वो पर्वत बहुत सुंदर होंगे जहाँ से तुम आती हो, अवश्य वो घाटियाँ फलों से भरी होंगी और नदियाँ पानी से भरी होंगी जहाँ से तुम अपने गीत सीखती हो। कवि उससे क्वेश्चन करता है, वेयर आर दोज स्टेरी वुड्स, वो सितारों से भरा जंगल कहाँ है। ओ माइट आई वॉन्डर देयर, वो मेरी इच्छा है कि मैं वहाँ पर घूमूँ। एमंग द फ्लावर्स, फूलों के बीच, इन विच इन द हेवनली एयर ब्लूम द ईयर लॉन्ग, जहाँ पर सारा साल शुद्ध हवा बहती रहती है। तो ये कवि ने उस बुलबुल से कुछ क्वेश्चन किए हैं कि वह उस स्थान पर जाना चाहता जहाँ से वह सीख कर अपना मधुर गीत गाती है। तो अब बुलबुल उत्तर देती है, ने बैरन आर दोज माउंटेंस, नहीं वो पर्वत सब बंजर हो चुके हैं, एंड स्पेंड द स्ट्रीम्स, और नदियाँ सूख चुकी हैं। आवर सॉन्ग इज़ द वॉइस ऑफ डिज़ायर, हमारी गीत जो हैं हमारी इच्छाओं की आवाज़ हैं, दैट हॉन्ट्स अवर ड्रीम्स, जो हमारे सपनों में भटकती रहती हैं, अ थ्रू ऑफ अवर हार्ट, थ्रू मैंने पीड़ा ऑफ अवर हार्ट, मैंने ऑफ द हार्ट मैंने हृदय की, ये हमारे हृदय की पीड़ा है। यानी बुलबुल ये कहती है कि जो आपका भ्रम है हमारे बारे में कि हम सुंदर जगह से आते हो, सब बेकार है, सब वो पर्वत बंजर हो चुके हैं, नदियाँ सूख चुकी हैं, ये जो गीत है हमारी दुख भरी इच्छाओं की आवाज़ है जो हमारे सपनों में भटकती रहती हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में बुलबुल फिर आगे कहती है, हु स्पिनिंग विजन डिम, हमारा जो दर्द भी है धीरे धीरे अब डिम होता जा रहा है, फॉरबिडन होप्स प्रोफाउंड, फॉरबिडन मैंने मना कर दी, होप्स मैंने आशाएं, प्रोफाउंड मैंने पूरी होने वाली, और लगता जो हमारी आशाएं पूरी होने वाली हैं उनको भी मना कर दिया गया है। नो डाइंग कैडेंस नॉ लॉन्ग साइक कैन साउंड फॉर ऑल अवर आर्ट, बुलबुल कहती है नो डाइंग कैडेंस, डाइंग मैंने मरती हुई, कैडेंस मैंने लय, नॉ लॉन्ग साई, साई मैंने आह या पीड़ा, कैन साउंड मैंने आवाज़ में, फॉर ऑल अवर आर्ट मैंने अब सारी कला का प्रयोग करने के बाद, अगर हम अपनी सारी कलाओं का भी प्रयोग कर दें तो हमारे जो गीत है इस समय मरती हुई आह, मरती हुई लय की आह की आवाज़ के अलावा और कुछ नहीं है। आगे बुलबुल कहती है, एलोन अलाउड इन द रैप्चर्ड ईयर ऑफ मैन, एलोन मैंने अकेले, अलाउड मैंने तेजी से, इन द रैप्चर्ड ईयर ऑफ मैन, जो मैं मनुष्य के कान में अपने गीतों को गुंजाए मायन कर रही हूँ या रैप्चर्ड प्रतिध्वनित कर रही हूँ, वी मैंने हम, पोर मैंने उड़ेल रहे हैं, अवर मैंने अपना, डार्क मैंने गहरा, नेक्टर्नल मैंने रात्रिकालीन, सीक्रेट मैंने रहस्य, हम उसके कान में अपना रात्रिकालीन रहस्य उड़ेल रहे हैं, एंड देन एज नाइट इज़ विदड्रॉन, और इसके बाद फिर अंधेरी रात आ जाती है। फ्रॉम दीज स्वीट स्प्रिंगिंग मीडोज एंड ब्रस्टिंग बॉपम में, फ्रॉम दीज स्वीट स्प्रिंगिंग मीडोज, और जब इसके बाद फिर रात के बाद जब चरागाहों में मधुर बसंत आता है, एंड ब्रस्टिंग बॉपम में, और मई माह में टहनियाँ जो है फलों से भर जाती हैं, ड्रीम, ये मेरे लिए एक स्वप्न हो गया है। वाइल द इनॉर्मल क्वायर ऑफ डे वेलकम द डाउन, जब असंख्य क्वायर मैंने पक्षियों का समूह ऑफ डे मैंने दिन का समय वेलकम मैंने स्वागत करता डाउन मैंने सुबह का, तब असंख्य पक्षियों का समूह दिन होने का स्वागत करता है। तो बुलबुल यहाँ पे बहुत निराश है, वो कवि को समझा रही है कि मनुष्य ने सब
इस प्रकृति को नष्ट कर दिया है, सिर्फ हम जो गा रहे हैं वो दुख भर अपना गीत गा रहे हैं। इस कविता का आलोचकों ने बहुत बढ़िया आलोचना की, ये वर्ल्ड फेमस पोएम है, तो आपको समझ में आ गया। थैंक यू।